दोस्तों ये अशोक लेलैंड गाड़ी है, रोड का बीच में इसका स्टार्टिंग लॉक हो गया, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो गया चलिए दिखाऊंगा मेरे वीडियो पे। दोस्तों देखिए ये स्टीयरिंग बॉक्स का अनारश है, नीचे और ऊपर दोनों साइड में दोनों बियरिंग रहता है। देखिए ये बियरिंग है, इसका कॉलर चेकनट सेट है। दोस्तों ये अशोक लेलैंड गाड़ी है, दोस्त गाड़ी, रोड का बीच में इसका स्टीयरिंग बॉक्स लॉक हो गया था, इसका अनारस खराब हो गया था, इसको जो अनारस था ये नया अनारस है। देखिए कैसे काम करेगा, अंदर ये ऊपर नीचे, ये स्टीयरिंग घुमाने से वो ऊपर नीचे काम करता है। हाथों से घुमाना जाए इस तरफ इसका इजी रहना चाहिए, ये चेकनट पूरा टाइट, ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये नट जाम होगा, ये अनारस नहीं घूमेगा। और ये चेकनट इसका ज़्यादा ढीला रहेगा तो इसका चाल हो जाएगा, स्टीयरिंग बॉक्स फॉल्स होगा। देखिए मैंने चेकनट को कैसे टाइट कर रहा हूँ, देखिए ऊपर इसका ये लॉक नट है, उसका जो चेक नट है उसका ऊपर पतला सा एक लॉक नट होगा, वो लॉक नट को भी टाइट करना होगा। मेरे वीडियो में कोई दोस्तों ने कमेंट किया है कि स्टीयरिंग बॉक्स को वीडियो को बनाने के लिए छोटा हाथी का, अभी कोविड का टाइम है, छोटा हाथी का स्टीयरिंग बॉक्स मेरे पास नहीं है, एक अशोक लेलैंड का स्टीयरिंग बॉक्स है, ये पूरा सेम है, उसका इसका सिस्टम पूरा सेम है। देखिए ये ऑयल सील है, ये ऑयल सील ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से ऑयल लीकेज हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहीं पर जो पैकिंग है वो पैकिंग मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने पैकिंग खुद बना के लेता हूँ। इस तरफ कागज़ से आप भी पैकिंग बना सकते हैं। मेरे वीडियो स्किप ना करके पूरा देखिए, ध्यान से देखना। देखिए पैकिंग तो मैंने बना लिया, अभी अनावरण से इसका फिश करूँगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, उसका संग संग बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि न्यू वीडियो अपडेट होने से आपका पास पहले पहुंच जाए। दोस्तों ध्यान से देखिए मैं कैसे फिटिंग कर रहा हूँ। देखिए ये जो मिलिंग है वो अंदर जो अनारस है उसका मिलिंग से सेट हो जाएगा। देखिए हो गया, अब इसको नट को मैंने ठीक से टाइट करूँगा, ये ढीला रहेगा तो यहाँ पर से ऑयल लीकेज होगा,
हो गया मेरा टाइट। दोस्तों देखिए मैंने कोरस को हटा दिया, स्टारिंग का रॉड को अभी एडजस्ट करूँगा। ये 17 नंबर ये जो नाट दिखाई दे रहा है इसको ढीला देके इसको डाइवर से एडजस्टिंग करना होगा, क्योंकि ये नाट ज़्यादा टाइट होगा एडजस्टिंग तो स्टारिंग टाइट लगेगा, और ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो स्टारिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक ठाक टाइट करना होगा, ऐसे इजी हाथों से घूमना चाहिए ये। थोड़ा सा ढीला करना होगा क्योंकि टाइट हो रहा है। देखिए अभी पूरा इजी है। देखिए कैसे इजी घूम रहा है, कैसे स्टीयरिंग काम करेगा, ये आराम ही पर लगेगा। देखिए नाट को टाइट करना होगा, इसको ड्राइवर से ये पकड़ के नाट टाइट करना होगा। देखिए टाइट हो गया, इसका अंदर जो स्टीयरिंग का ऑयल है मतलब गियर ऑयल, ये मोटा वाला गियर ऑयल डालना होगा इसमें। ये पूरा लोड करके डालना होगा, इसका अंदर पूरा गियर ऑयल से भरा रहेगा। देखिए हो गया मेरा गियर ऑयल डालना, अभी तो स्टीयरिंग बॉक्स फिटिंग हो गया, अभी गाड़ी पे फिटिंग करना होगा। ये तीनों नट से फिटिंग होता है, अभी ये गाड़ी पर फिटिंग करने से काम हो जाएगा। दोस्तों ये रोड का बीच में गाड़ी है, हो गया।